आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान में नौवा अध्याय उन्माद चिकित्सितम सबसे पहले इसमें चार नंबर श्लोक फोर नंबर श्लोक में उन्माद के हेतु बताए गए हैं क्या विरुद्ध दुष्ट असूचि भोजनानी प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम तो ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए कई बार ये लिख के आएगा, आएगा आपसे और पूछेंगे कि, कि किसके जो है वो निदान कहे गए हैं श्वित्र के निदान भी इसके साथ आपको देखने हैं पेज नंबर टू सेवन फाइव पे श्लोक नंबर वन सेवन सेवन वहां पे क्या बोला गया था वचानसी अत्यानि कृतज्ञ भावो निंदा सुराणाम गुरु च कुछ कुछ लक्षण वैसे ही है मतलब जो देवता उनकी निंदा करना गुरु का जो अपमान करना अ जो अतथ्य है मतलब झूठ बोलना पाप कर्म करना या पूर्व जन्म के जो कर्म है या विरोधी अन्न इसी तरीके के निदान है अब उन्माद के निदान क्या बोले विरुद्ध दुष्ट असुचि भोजनानी प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम उन्माद हेतु भय हर्ष पूर्वो मनो अभिघात विस्मश चेष्टा विषम चेष्टाएं करना मन पे किसी भी तरीके का अभिघात होना ज्यादा ही डरना किसी चीज से ज़्यादा हर्षित हो जाना विरुद्ध दुष्ट असूची भोजन करना और देवता गुरु या द्विज हैं जो यानी ब्राह्मण आदि उसी तरीके के क्या है इनके भी निदान है तो इनको डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है आपको लाइन लिख के मिलेगी और पूछेंगे निम्न में से किसके निदान है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता उन्माद में पांच नंबर श्लोक में उन्माद की संप्राप्ति ते ते ही अल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा यानी निदानों के सेवन से जिस व्यक्ति का अल्प सत्व है मला प्रदुष्टा उसके वात आदि दोष पर क्रोपित होकर क्या करेंगे बुद्धि निवासम बुद्धि में निवास करके हृदय परदुष्यम हृदय को दूषित कर देते हैं श्रोतांसी अधिष्ठाया मनोवाहिनी और जो मनोवाहि श्रोता है उनमें अधिष्ठित होकर प्रमोहयन्ति आशु नरस्य चेत और जल्दी से जल्दी उस नर जो वो मनुष्य है उसके मन को चेतन मीन मन उनको मोहित कर लेते हैं तो ये की संप्राप्ति बोली नेक्स्ट है हमारा छह नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं धी विभ्रम सत्व परिपलव प्रयाकुला दृष्टि अधीरता च अब वाक्यत्म हृदय शून्यता आपने बॉक्स में बंद करके हाईलाइट किया हृदय में शून्यता लगती है सामान्य उन्माद गदस्य लिंगम यानी सामान्य लक्षण उन्माद के धी बुद्धि का विभ्रम हो जाना सत्व का भ्रमित हो जाना और जो दृष्टि होगी वो चारों तरफ ऐसे देखेगा अधीरता से मतलब एक साइड टिकी नहीं रहेगी दृष्टि ऐसा चंचल होगी अबद्ध वाक्य वाक्य भी जो है वो मतलब अलग ही तरीके से बोलेगा कोई रे, रेलिवेंट चीज बोलेगा ही नहीं ऐसा और हृदय में शून्यता लगती है नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा उन्माद के भेद आठ नंबर श्लोक में देखिए पांच भेद बोले गए उन्माद के हमारा वातज होता है पित्तज है कफज उन्माद है सन्नी पातज है और आगंतुज होता है आगंतुज यानी भूत भूत उन्माद भी बोलते हैं जिसको हम फिर दस नंबर श्लोक में देखिए टेन नंबर श्लोक यहाँ पे वातज उन्माद के लक्षण लिखे हैं तो हमें क्या है जिस थोड़ा सा पता होना चाहिए वातुनुमाद में क्या करेगा बिना किसी कारण के या अस्थान में जहाँ उसको हंसना गाना ऐसा नहीं चाहिए उस जगह पे भी वो अजीब से हंसने लगता है और जब आहार उसका पच जाता है आहार पूरा पूरी तरह पक गया उस टाइम पे इनके लक्षणों की वृद्धि जो वात का नॉर्मल प्रकोप का टाइमिंग है उस टाइम में प्रकोप होगा फिर है हमारा पित्तजुर्नुमाद में ही बारह नंबर श्लोक में ऐसे ही वो असहनशील होगा नेत्रों में लालिमा होगी दूसरों को धमकाता है दौड़ता रहता है ऐसा शीतल जल की इच्छा शीतल अन्न की इच्छा इसमें नंबर श्लोक में देखिए आप, थर्टीन श्लोक यहाँ पे कफ के कारण और संप्राप्ति में बोला थर्ड लाइन में देखना हिंदी में कुपित कफ हृदय रूपी मर्म स्थान में जाकर बढ़ जाता है तो कफ उन्माद में मर्माणी प्रवृद्धम इस तरीके से वर्ड बोला नेक्स्ट है इसमें चौदह नंबर श्लोक में देखिए फोर्टीन नंबर श्लोक सेकंड लाइन में देखना छर्दिश लाला च बलम च चुगते यानी खाना खाते ही पेशेंट के जो भी लक्षण होंगे कफज नुमाद के वो बढ़ जाते हैं तो वो वैसे भी बात का प्रकोप काल ही है नॉर्मल इसलिए उस टाइम में बढ़ जाते हैं लक्षण नेक्स्ट है पंद्रह नंबर श्लोक में बोला यह सन्नीपात है प्रभु अति घोर है हाईलाइट किया आपने यानी की वजह से होने वाला जो अनुमाद है वो अति घोर यानी ज्यादा भयंकर होता है नेक्स्ट है हमारा सेवनटीन नंबर श्लोक नंबर श्लोक में क्या बोला अमृत वाग विक्रम वीरिय चेष्टो ज्ञान आदि विज्ञानम बल आदि भीर भय मीन्स गंतु आगंतु की बात करें तो आगंतु जुनुमाद से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसकी जो भी बोलने की शक्ति है काम करने की शक्ति चेष्टाएं वो क्या होती है मनुष्य के अकॉर्डिंग नहीं होती जैसे नॉर्मल उसमें वो करता था वैसी चेष्टाएं उससे ज्यादा होंगी उसका ज्ञान ज्यादा होगा विज्ञान बल मनुष्य के जैसा नहीं होता और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना उन्माद कालो अनियत यानी उन्माद में वेग आने का टाइम निश्चित नहीं होता कभी भी ऐसे लक्षण आ जाएंगे उसमें कभी नॉर्मल हो जाता है तो ये उन्माद कालो नियतष ये भूतोन्माद का लक्षण है हमारा ये आपने हाईलाइट किया नेक्स्ट है अठारह नंबर श्लोक इसके जो लास्ट दो वर्ड हैं वो आप हाईलाइट कर लीजिए छाया आतपो दर्पण सूर्य कांतो छाया आतपो दर्शन सूर्य कांतो मतलब भूतों नमाद में अदृश्य जो देव आदि हैं वो शरीर में प्रवेश करके लक्षणों को उत्पन्न करते हैं तो वो कैसे उत्पन्न कर होते हैं शरीर में कैसे एंटर करते हैं उनके लिए उपमा बोली जैसा हिंदी में देखिए थर्ड लाइन में जैसे शीशे में छाया प्रवेश कर जाती है या सूर्य कांत में आतप प्रवेश कर जाता है या सूर्य की किरणें एंटर हो जाती हैं उसी तरीके से जो देवता आदि हैं वो क्या करेंगे व्यक्ति में प्रवेश करके उसमें उन्माद की उत्पत्ति करते हैं तो ये हमारे बताए गए श्लोक के नीचे लिखा हुआ ना ये देवोन्मत पुरुष के लक्षण देवता अगर किसी में एंटर होकर उत्पन्न करे तो उस व्यक्ति में क्या होगा सौम्य दृष्टि होगी देवताओं जैसा आचरण करेगा गंभीर होगा अघ्रश्य मतलब कोई उसको पराजित नहीं कर सकता अकोपश्च ना क्रोध आएगा उसको अस्वप्न सोता नहीं है अभोजन खाना भी नहीं खाता नेक्स्ट लाइन में शुभ गंध को आप हाईलाइट कर लीजिए उसके शरीर से शुभ गंध आएगी ऐसा शुभ गंध को आपने हाईलाइट किया नेक्स्ट विमर्श में देखिए विमर्श में क्या पहले जो वर्ड है वागवट इसको बॉक्स में बंद किया आपने वाघवट ने क्या बोला सेकंड लाइन लास्ट में देखना सूची संस्कृत वादिनम को आपने हाईलाइट किया वागवट के अकॉर्डिंग जब देवोन्मत पुरुष होता है तो वो बिल्कुल संस्कृत बोलता है ऐसे तो संस्कृत वादिनम इसी तरीके से आप देखेंगे फिफ्थ लाइन है जो विमर्श की उसमें बोला उन्माद से पीड़ित रोगी संस्कृत न जानते हुए भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है ऐसा सुश्रुत ने भी बोला है तो जब आप ये वर्ड देखेंगे जैसे शुभ गंध आना या संस्कृत बोलना तो इसका मतलब वो देवोन्मत पुरुष के लक्षण है नेक्स्ट है हमारा इसमें शापोन्मत वाला नहीं करना हमें थर्ड देखिए पितृग्रह उन्मत के लक्षण में पहले को आप बॉक्स में बंद कर लीजिए पहले वर्ड को अप्रसन्न दृष्टि यानी नेत्रों से अप्रसन्नता झलकती है उस व्यक्ति के तो वो पितृग्रह से उन्मत है अः अपश्यंत है निद्रालु अपश्यंत है इधर उधर भी नहीं देखता वो ऐसा और निद्रा बहुत सोता रहता है तो पितृग्रह से उन्मत है नेक्स्ट है हमारा फोर नंबर पॉइंट है उन्मत होगा तो कैसा है चंड साहसिक तीक्ष्ण गंभीर अगृश्य फिर आगे मुख वाद्य नृत्य गीत अन्न पान स्नान इन सब की इच्छा रहती है उनको और सेकंड लाइन लास्ट की तरफ एक वर्ड देखना शुभ इसमें भी लिखा उसके शरीर में से भी शुभ गंध आती है तो शुभ गंध देवोन्मत और गंधर्वो उन्मत दोनों में है बताइए नेक्स्ट है यक्षोन्मत पुरुष में बोला आ, ये क्या करता है अस्तृतम स्वप्नम रोदनम हास्य नृत्य गीत वाद्य पाठ कथा अन्न पान स्थान माल्य धूप गंध रक्त विप्लुताक्ष को हाईलाइट किया आपने यक्षुन्मत जो होगा पुरुष उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी रक्त विप्लुताक्ष लाल वर्ण की हो जाएंगी ऐसा बोला है ये आपने हाईलाइट किया विमर्श में फोर्थ लाइन में देखिए सुश्रुत ने बोला ताम्राक्ष चाहो तो आप लिख भी सकते हैं इसको यक्षुन्मत के लिए चरक बोलते हैं रक्त विप्लुताक्ष और सुश्रुत ने क्या बोला ताम्राक्ष ताम्र वर्ण की हो जाती है आंखें नेक्स्ट है राक्षसोषो उन्मत के लिए बोला नष्ट निद्रा इनकी निद्रा जो है वो नष्ट हो, हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की और शस्त्र शोणित मांस रक्त माला इन सबकी और सतर्जनक को हाईलाइट करना सतर्ज कह दूसरे व्यक्तियों को डराते हैं ये ऐसा बोला गया राक्षस वाले नेक्स्ट है हमारा 312 पेज नंबर पे सेवन पॉइंट है ब्रह्म राक्षसो उन्मत्त पुरुष के लक्षण प्रहास नृत्य प्रधानम देव विप्रम वैद्य द्वी वैद्य द्वेश को हाईलाइट करना ये जो देवता होते हैं विप्र है मीन्स ब्राह्मण है या वैद्य है इनसे द्वेष करते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस है ठीक है इनसे द्वेष करते हैं और इसी लाइन में लास्ट में हाईलाइट करना कास्ट आदि भी आत्मपेड़ काष्ट या शस्त्र आदि से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं दो इनके याद होने चाहिए आपको एक तो कास्ट आदि से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं दूसरा जो वैद्य हैं, देव हैं, उनकी निंदा करने वाले होते हैं उनसे द्वेष करते हैं नेक्स्ट है हमारा बीस नंबर श्लोक में पिशाचो अनुमत के बारे में बोला सेकेंड लाइन में देखना मत सेकंड लाइन बिल्कुल मिड में हाईलाइट करना भिन्न रुक्ष स्वर नग्न विधावंते न एकत्र मीन्स उनका जो स्वर होगा वो रुक्ष हो जाएगा नग्न रहते हैं और विधावंती न एक दौड़ते रहते हैं मतलब एक ही जगह पे नहीं रुकते इधर उधर भागते रहते हैं नग्न और नेक्स्ट लाइन में नष्ट स्मृति को आपने हाईलाइट किया में आपने सेकंड लाइन में हाईलाइट किया भिन्न रुक्ष स्वर नग्नम विधावंती न एकत्र फिर नेक्स्ट लाइन में नष्ट स्मृति को हाईलाइट किया नष्ट स्मृति नेक्स्ट है हमारा राइट right पेज पे 313 पेज नंबर पे 21 नंबर श्लोक ट्वेंटी वन नंबर श्लोक इस श्लोक की सबसे लास्ट लाइन में इति द्वितीय तृतीय नाम जो ग्रह हैं वो अपरिसंख्य हैं ठीक है संख्या नहीं है उनकी कोई आविष्कृत तमा ही अष्टावे वेते व्याख्याता को आपने हाईलाइट किया मतलब जो ग्रह होते हैं जिनसे पुरुष अफेक्ट हो सकता है वो तो क्या होते हैं अपरिसंख्या मतलब उनकी आप गणना भी नहीं कर सकते लेकिन उनमें भी सबसे मेन ये आठ होते हैं जो हम अभी पढ़े हैं ना हमने देवो उन्मत है या ऋषि आदि से उन्मत पित्र ग्रह गंधर्व है यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस और पिशाच तो ये आठ सबसे मेन बताए गए हैं नेक्स्ट आइए आप थ्री वन फाइव तीन सौ पंद्रह पेज नंबर पे यहाँ पे ये जो ग्रह हैं उनकी तिथि बताई गई है ये इम्पोर्टेंट है ग्रह हैं जैसे देव ऋषि गंधर्व यक्ष ब्रह्म राक्षस राक्षस नाग असुर तो चरक के अकॉर्डिंग पहले हाईलाइट करना देव ग्रह का जो आवेश काल है मतलब किस किस टाइम पे ये बॉडी में एंटर करते हैं तो शुक्ल जो पक्ष है हमारा शुक्ल पक्ष की एकादश मतलब वन जो पहली डेट होगी उसपे और थर्टीन यानी प्रतिपदा और त्रयोदशी को प्रवेश करते हैं वन और इस बीच में स्लैश करके थर्टीन लिखा है ये ठीक है तो प्रतिपदा और त्रयोदशी को बॉडी में करते हैं। फिर ऋषि ग्रह के लिए बोला ये षष्ठी और नवमी को करते हैं ऋषि फिर पित्र हैं वो क्या करते हैं हमारे वो दशमी और अमावस्या को गंधर्व जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं द्वादशी और चतुर्दशी यक्ष हैं वो क्या करेंगे सप्तमी है और एकादशी को शुक्ल पक्ष की ब्रह्म राक्षस हमारे क्या करते हैं पंचमी और पूर्णिमा पंद्रह लिखा ना तो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष जब होगा उसमें पूर्णिमा होती है तो पंचमी और फाइव फिफ्टीन का मतलब क्या पंचमी और पूर्णिमा को राक्षस हैं जो वो क्या राक्षस या पिसाच दोनों के लिए ही बोला है कि वो द्वितीय तृतीय और अष्टमी को बॉडी एंटर करते हैं ये चरक के अकॉर्डिंग है तो इसमें देव ग्रह वाला आपने हाईलाइट किया फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो टेबल बनी है इसमें आप पहले देव ग्रह को हाईलाइट करना पूर्णिमा चरक बोल चरक बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपद है और त्रयोदशी है उसमें ग्रह एंटर करते हैं बॉडी में सुश्रुत बोलते हैं पूर्णिमा को फिर ऋषि ग्रह इन्होंने माना नहीं ग्रह के लिए कृष्ण पक्ष बोलते हैं गंधर्व को हाईलाइट कर लीजिए अष्टमी इंपॉर्टेंट है सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये गंधर्व वाला अष्टमी को क्वेश्चन आया हुआ है एक बार फिर यक्ष प्रतिपदा को ब्रह्म राक्षस इन्होंने माना नहीं राक्षस जो है वो चतुर्दशी को और पिशाच भी और नाग ग्रह हाईलाइट करना पंचमी नाग पंचमी हम वैसे भी बोलते हैं हमने आपको सुश्रुत में भी बताया था ऐसे याद रख सकते हैं आप तो नाग ग्रह सुश्रुत ही मानते हैं जो बॉडी में एंटर करता है वो भी कौन सी डेट को पंचमी को नाग पंचमी से याद रखना तो पंचमी नाग है अष्टमी गंधर्व है और पूर्णिमा देवी सुश्रुत के अकॉर्डिंग तीन है जो इंपॉर्टेंट है बहुत उसके बाद हमारा आता है ट्वेंटी थ्री में ट्वेंटी थ्री नंबर श्लोक की हिंदी में आप देखिए देव आदि ग्रह रति और अर्चना की कामना से व्यक्ति में आविष्ट होते हैं ऐसा बोला जबकि चरक निदान स्थान है वहां पे हमने तीन कारण बोले थे आप लिखिए चरक निदान एरो करके लिखिए हिंसा रति और अभ्यर्चना हिंसा रति और अर्चना या अभ्यर्चना लिख सकते हैं मतलब हिंसा की दृष्टि से यानी उस व्यक्ति को मारना इस वजह से बॉडी में एंटर हुई रति मैथुन की इच्छा से अर्चना यानी पूजा की इच्छा से अब यहाँ चिकित्सा स्थान में दो ही कारण बोले रति और अर्चना नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है ट्वेंटी फाइव नंबर श्लोक ट्वेंटी फाइव नंबर श्लोक में देखना उन्मादे वातजे पूर्वम स्नेह पानम विशेषवित को आपने हाईलाइट किया वातजुन माद में पहले क्या करना है स्नेह पान करने को बोला मृदु शोधनम को आपने हाईलाइट किया वातजुन माद में सबसे पहले स्नेह पान कराना है लेकिन आवृत है अगर कफ या पित्त से आवृत हो गया अगर वायु तो आपको क्या कराना है स्नेह युक्त मृदु संशोधन कराना है उसको नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना सेवन कराते हैं तो उसके हृदय इंद्रिया कोष्ट ये सब शुद्ध हो जाते हैं और मन में भी प्रसन्नता आ जाती है तो उन्माद रोग वैसे ही नष्ट हो जाएगा अगर मन उसका ठीक हो गया तो नेक्स्ट है ट्वेंटी नाइन में उन्माद में अंजन तो शुद्ध आचार विभ्र विभ्रंश तीक्षण नावनम अंजनम को आपने हाईलाइट किया उन्माद के बेशन को आपको नावन आ, या अंजन का प्रयोग कराना है नस्या और अंजन तीक्षण होने चाहिए फिर आता है हमारा तीस और इकतीस नंबर श्लोक में उद्वेग जनक कार्य यहाँ पे बताए गए यह सक्तो अविनियत पटे मीन्स जो दृढ़ वाले जो कपड़े वाले वो होते हैं ना जो हार्ड होता है मतलब दृढ़ पट्ट है उससे बांध देना है व्यक्ति को चेयर पे ऐसे बांध देते हैं ना क्योंकि उन्माद वाला क्या पेशेंट पागल की तरह से एक्ट करेगा तो उसको बांधने के लिए बोला और लास्ट वर्ड है तमोग्रह मीन अंधेरे वाले कमरे में उसको बिठाना चाहिए फिर थर्टी वन में फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना तर्जनम त्रासनम दान हर्षनम सांत्वनम तो उसमें तर्जन करना उसको डराना रासन दान कराना उससे हर्षन उत्पन्न कराना शांतवना देना या भय दिखाना विस्मयो विस्मृति आश्चर्य दिलाना या फिर किसी चीज को भुलाना स्मरण शक्ति कराना ये सब भी किया जाता है उन्माद के पेशेंट में नेक्स्ट है हमारा 33 में 33 में हाईलाइट करना सर्पी पानम आदिर आगंत को मंत्र आदि च इष्यते विधि यानी आगंतु जुन्माद में आपको क्या करना है स्नेह पानम स्नेह से शुरू होना है फिर आगे उसके मंत्र आदि हैं जो मंत्र मणि बलि पूजा ये सब करने हैं तो आगंतु जुन्माद में आप सर्पी पान कराते हो अच्छा है नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है 41 नंबर श्लोक की उसको हाईलाइट करना कल्याण घृत कल्याण घृत हमारा जो है उन्माद का रोग है आपने हाईलाइट किया इसको इसमें हमारी यही लिखना कल्याण के पास ट्वेंटी एट ड्रग्स अट्ठाईस औषधियां इसमें यूज होती हैं। फिर ये करता क्या है फोर्टी वन नंबर श्लोक में लिखा हाईलाइट करना इसको शस्तम स्त्री नाम चंध्या नाम जो बंधे स्त्रियां हैं उनके लिए प्रशस्त तो बोला गया है ऐसा और सबसे लास्ट में सर्वग्रह विनाशनम को आपने हाईलाइट किया फोर्टी वन नंबर श्लोक में पहला जो है शस्तम स्त्री नाम च बंध्या नाम ये हाईलाइट किया और लास्ट जो वर्ड है ग्रह विनाशनम को किया नेक्स्ट लाइन में कल्याणम कल्याणकम इदम सर्पि श्रेष्ठ पुंशवन च को आपने हाईलाइट किया श्रेष्ठ पुंशवन है ये मतलब पुंशवन क्रिया में श्रेष्ठ घृत है तो कल्याण घृत हमारा उन्माद का अधिकार है फिर नेक्स्ट है महाकल्याण घृत जो ये हेडिंग है इसको आपने हाईलाइट किया और इसका देखिए फोर्टी फोर नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड है सन्नी पातम हरम परम आपको लिख के देंगे कि सन्नी पातम हरम परम किसके लिए कहा गया तो महाकल्याण घृत के लिए कहा गया, तो गया है फिर नेक्स्ट हेडिंग महापेशाचिक घृत को आपने हाईलाइट किया और फोर्टी एट नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को बुद्धि स्मृति करम चेव च चे अंगवर्धनम बुद्धि स्मृति करने वाला और जो बालक होते हैं उनकी जो इसका सेवन अगर करें बालक तो उनके अंगों को बढ़ाने वाला होता है ऐसा बोला गया आप लिखिए चवन प्राश पेज के टॉप पर लिखिए चवन प्राश के बारे में क्या आई थी फल श्रुति उसकी क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम च्यवन प्राश के बारे में बोला गया था क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम नाम च अंग वर्धनम क्षीण क्षत के जो पेशेंट है वृद्ध हैं, उनके लिए अच्छा है और बालकों के अंगों को बढ़ाने वाला होता है पुष्टि करने वाला तो क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम ये चवन प्राश के लिए बोला गया यहाँ पे महापेशाचिक घृत के लिए बोला गया बुद्धि स्मृति करम चे, बाला नाम च अंगवर्धनम नेक्स्ट हेडिंग को आप हाईलाइट करना फिफ्टी की लशुनाद्य घृत लसुनाद्य घृत तो इसमें घृत कौन से हैं कल्याणक घृत है महाकल्याणक घृत महा, महा और लशुनाद्य घृत आपने पढ़े नेक्स्ट उसके बाद आता है फिफ्टी नाइन में फिफ्टी नाइन में यहाँ बोला गया कि उन्माद में पुराण घृत का प्रयोग तो विशेषतः पुराणम घृतम च, च तम पाए दिष्क त्रिदोष्न हाईलाइट करना त्रिदोष्न होता है पवित्र होता है विशेषाद ग्रह नाशनम गुण कर्माधिकम पानाद स्वादात कटु तिक्तकम को आपने हाईलाइट किया आप पूछ सकते हैं कि पुराण घृत का जो आप रस है वो कैसा होता है क्या बोला स्वादात कटु तिक्तकम ऐसा होगा उसका कटु और तिक्त रस होता है नेक्स्ट है सिक्सटी नंबर श्लोक में सिक्सटी नंबर श्लोक में उग्र गंध पुराण वर्ष स्थितम घृतम दस वर्ष तक रखे रहने पर जो घृत है उसमें क्या होती है उग्र गंध हो जाती है तब उसको पुराण घृत बोला फिर रस निभष्ट वो जो दस वर्ष के बाद मतलब दस वर्ष तक रखने पर उसमें गंध आ गई तो पुराण घृत बोलते हैं तो लाक्षारस निभ रस लाक्षा के जैसा होगा शीत सर्व ग्रह ग्रह सभी ग्रहों को नाश करने वाला मेद्य है विरेचन अग्रम विरेचन कराने में अच्छा है मतम परम और ये इसको बोलते हैं ठीक है वर्ष शतम स्थितम यानी दस से लेके सौ वर्ष तक इन्होंने प्रपुराण बोल दिया दस से ऊपर हुआ उसको और सौ वर्ष तक प्रपुराण बोलते हैं वही प्रपुराण जो घृत है वो लाक्षारस जैसा सभी ग्रहों को नाश करने वाला होता है मेध्य बोला उसको और विरेचन में श्रेष्ठ बोला है नेक्स्ट उसके बाद आता है नंबर श्लोक में नंबर श्लोक उन्माद में नस्य और अंजन हेडिंग को हाईलाइट करना उन्माद में नस्य और अंजन किससे देते हैं हम देखिए श्लोक में सेकंड लाइन में कुष्ठम च वस्तमुत्रण ये जो औषधियाँ बोली ऊपर सिरिश मधु फेंगू लहसुन तगर वचा कुष्ठ इन सबको बस्त मूत्र जो बकरे का मूत्र है उसमें पीसकर कर नस्य या अंजन के रूप में आप प्रयोग कराते हैं नेक्स्ट है हमारा इसमें सेवेंटी टू नंबर श्लोक की हेडिंग है सिद्धार्थक आदि अगध सिद्धार्थक आदि अगध और फिर उसके नीचे देखना सिद्धार्थक आदि अगध के नीचे एक लाइन लिखी है सर्पी रितेन सिद्धम वा स गो, गोमूत्रम तद यानी सिद्धार्थक घृत भी आप बना सकते हैं तो चरक के अकॉर्डिंग सिद्धार्थक अगध पूछे या सिद्धार्थक घृत तो वो उन्माद में उन्होंने बोला सुश्रुत ने अपस्मार में बोला था सिद्धार्थक घृत आप लिख सकते हैं इस चीज को चरक ने सिद्धार्थक अगध या सिद्धार्थक घृत उन्माद में बोला है सुश्रुत ने सिद्धार्थक घृत अपस्मार में बोला और एक लिखे सिद्धार्थक स्नान सिद्धार्थक स्नान हम पढ़ चुके हैं कुष्ठ में फिर तो लिखिए सिद्धार्थक तेल सिद्धार्थक तेल एरो करके लिखना अपरापातन सिद्धार्थक तेल अपरापातन इंपॉर्टेंट है देखिए कंफ्यूज नहीं होना है सिद्धार्थक तेल अपरापातन के लिए सिद्धार्थक भृत या तो उन्माद ऑप्शन में होगा या अपस्मार वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है कि चरक के अकॉर्डिंग है दोनों भी आप टिक करेंगे तो भी बाद में उसमें ग्रेवियंस लग जाती है क्योंकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग सिद्धार्थक अपस्मार में है चरक के अकॉर्डिंग उन्माद में है सिद्धार्थक स्नान हमारा आता है कुष्ठ के लिए नेक्स्ट आता है सेवनटी सेवन नंबर श्लोक सेवनटी सेवन नंबर श्लोक की फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट करना शंख के शांत संधो ये उन्माद में सिरा मोक्षण के लिए बोला गया कि उन्माद के पेशेंट की जब आप सिरा मोक्षण कराते हो तो किस जगह पे करानी चाहिए तो शंख के शांत संधि को हाईलाइट किया आपने फिर उसके बाद है 86 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लेना 86 सिक्स उन्माद में परस्पर प्रतिद्वंद्व चिकित्सा ये हमने आपको कल भी बताया था प्रतिद्वंद चिकित्सा अनुमाद में की जाती है हमने क्या बोला था बहिस्पर्शन चिकित्सा तो राजक्षमा में है प्रतिद्वंद्व अनुमाद में और प्रतिमार्गहरण हरण चिकित्सा रक्तपित्त में की जाती है नेक्स्ट है हमारा 96 सिक्स नंबर श्लोक 96 में क्या बोला उन्माद में सेवन तो यहाँ बोला निवृत्त आमिष आमिष मतलब मांस मांस जो और मदिरा से निवृत्त हित अशी हित कर आहार जो खाते हो प्रत्यय जो प्रत्येक कार्य में सावधान रहे शुचि जो पवित्र रहे निज आगंतु भी सत्ववान न नुजते और जिनका सत्व सत्ववान है जिनका मन बलवान है और सूची पवित्र वो रहते हैं सभी कार्य सावधानी से करते हैं हित कर आहार करते हैं मध्य और मांस खाते नहीं नहीं है तो उनको निज और वो नहीं होते ऐसा कहा गया नेक्स्ट इसमें बताया गया है 97 में उन्माद रोग से मुक्त पुरुष का लक्षण तो फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना प्रसाद इंद्रिय अर्था बुद्धि आत्म ने मनसाम तथा जिसकी इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ बुद्धि आत्मा और मन और धातुएं सब कुछ अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाए तो इसका मतलब वो उन्माद रोग से क्या हो गया है मुक्त हो गया ऐसा आपको समझना चाहिए तो ये नाइन चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है